हम आज चर्चा करेंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आज हमारे साथ जुड़े हैं BHU के राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर श्री कौशल किशोर मिश्र जी। और आप लोगों का डिमांड भी रहता है कि हम देश की हर गंभीर मुद्दे की चर्चा सर से करें भी। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि वो जो दो, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, वो जो दो शीर्षक छपे हैं टाइम मैगजीन में, जिसमें एक में तो उन्हें देश के विभाजन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति ठहराया गया, जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर ठहराया गया, और दूसरे शीर्षक में उन्हें समाज एक सुधारक के तौर पर देश के अच्छे कार्यों के लिए उन्हें बताया गया, इसका मतलब क्या है, क्या दर्शाना चाह रही है वो मैगजीन? देखिए, अमेरिका की टाइम्स मैगजीन पूरी दुनिया में प्रतिष्ठित है, यह पश्चिमी दृष्टि को दर्शाती है। यह जो मैगजीन आई है यह एशिया का संस्करण है, मतलब एशिया के बारे में पश्चिमी चिंतन क्या है, एशिया के बारे में, खास तौर से भारत के बारे में पश्चिम के लोग किस विचारधारा को, किस विचार को, किस आधार को सोचते हैं भारत की प्रवृत्ति के बारे में, वह इनके लेखों में दर्शाया गया है। नरेंद्र मोदी और टाइम मैगजीन का संबंध बहुत पुराना है। 2012 में, 2014 के पहले दो बार टाइम मैगजीन में नरेंद्र मोदी को जगह मिली है। 2014 के बाद 2015 और 2017 में इसी टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को दुनिया के 100 प्रभावशाली नेताओं में से गिना था। इसका मतलब यह है कि टाइम मैगजीन ने नरेंद्र मोदी को या भारत के शीर्ष नेतृत्व की अस्मिता को, उसकी प्रभावशालिता को स्वीकार किया है। अब देखिए खेल क्या इसमें, खेल इसमें यह है कि भारत में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, 6ठा चरण का चुनाव होना है। 5 चरणों के चुनाव से मतलब 425-426 सीटों का चुनाव हो चुका है। उससे तो ये अंदाजा दुनिया को लग ही जाता है ना कि 2019 में किसकी सरकार बनने वाली है। इस मैगजीन के इस आवरण से ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की पुनर्वापसी सरकार में हो रही है, ये पहला संकेत तो इस मैगजीन के रूप में ये देखा जा सकता है।